सो हेलो फ्रेंड, गदर 2 मूवी जिस तरीका से बॉक्स ऑफिस पर पूरे कमाल और धमाल मचा के रखे हुआ है, गदर मचा रखे हुआ है दोस्तों। आज गदर 2 मूवी का रिलीज हुए पूरे 18 दिन हो चुका है और ये मूवी पूरे बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। जहां दोस्तों बीते शुक्रवार यानी कि 11 अगस्त को सनी देओल का सबसे दमदार मूवी गदर 2 मूवी रिलीज होता है, ये मूवी पूरे बॉक्स ऑफिस पर कमाल और धमाल मचा के रखे हुआ है दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करेंगे पूरे 17 दिन का नेट कलेक्शन और 18वां दिन ये मूवी एडवांस बुक के जरिए कितना कमाई कर रहा है। तो वीडियो के एंड तक मेरी सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं गदर 2 मूवी की। आज से 22 साल पहले गदर मूवी आया था, एक प्रेम कथा मूवी थी और ये मूवी पूरे बॉक्स ऑफिस पे कमाल और धमाल मचा के रख दिया था। उसमें भी सनी देओल और अनीसा पटेल और उत्कर्ष शर्मा बच्चा में ही नज़र अहम रोल करते हुए नजर आए थे। और उसके बाद पूरे 22 साल के बाद गदर 2 मूवी आई और यह मूवी पूरे प्रेम कथा पर आधारित मूवी है। और यह मूवी में भी गदर 2 मतलब कि सनी देओल, अनीसा पटेल और उत्कर्ष शर्मा नज़र आए हुए हैं। और यह मूवी की बात करते हैं, ये मूवी लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा के बजट से बनाया गया है और यह मूवी अनिल शर्मा के डायरेक्शन में बनाया गया। और यह मूवी पूरे बॉक्स ऑफिस पे कमाल और धमाल मचा कर रखे हुआ है और यह मूवी पठान 2 मूवी के जब 2 मूवी के जैसे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए आगे निकलते हुए जा रहा है। तो बात करेंगे आज के इस वीडियो में 17 दिन के नेट कलेक्शन के बारे में और 18वां दिन कितना मूवी एडवांस बुकिंग में कितना कर रहा है। तो बात करें पठान मूवी की, पठान मूवी लगभग 250 करोड़ से भी ज़्यादा के बजट से मूवी बनी थी और वो मूवी पूरे वर्ल्ड वाइड में 1000 करोड़ से भी ज़्यादा कमाई कर ली थी। वही केजब चेटर 2 मूवी की बात करें तो वो मूवी लगभग 250 करोड़ से ज़्यादा बजट से बनी थी और वो मूवी पूरे वर्ल्ड वाइड से 1000 करोड़ से ज़्यादा की कमाई कर ली थी। अब बात कर लेते हैं सनी देओल की गदर 2 मूवी की। ये मूवी भी लगभग आज से 22 साल पहले मूवी रिलीज हुई थी जो कि प्रेम कथा पर आधारित था। वो मूवी पूरे बॉक्स ऑफिस पे कमाल और धमाल मचा रखे होता और बीते शुक्रवार यानी कि 11 अगस्त को सनी देओल का सबसे दमदार मूवी गदर 2 मूवी और ये मूवी पूरे बॉक्स ऑफिस पे कमाल और धमाल मचा के रख दिया। तो बात करेंगे मूवी के पहले दिन की कमाई की। ये मूवी पहला दिन ही 40 करोड़ 10 लाख के जैसे ज़्यादा कमाई कर ली और वर्ल्ड में अपना इतिहास रच लिया। और बात करें 15वां दिन की, तो 15वां दिन ये मूवी पूरे इंडिया से लगभग 426 करोड़ 20 लाख की कमाई कर ली थी। और बात करेंगे 16वां दिन और 17वां दिन की, तो ये मूवी अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिखाते हुए ये मूवी 16वां दिन लगभग 13 करोड़ 75 लाख से ज़्यादा कमाई कर ली थी। बात करें 17वां दिन की, और 17वां दिन की बात करें तो ये मूवी लगभग 17 करोड़ 50 लाख की कमाई कर ली और अच्छा खासा अपना हर रिकॉर्ड को तोड़ रहा है मूवी की। बात करें 17वां दिन के पूरे नेट कलेक्शन के बारे में, तो ये मूवी पूरे नेट कलेक्शन 457 करोड़ 45 लाख से भी ज़्यादा कमाई कर रही है। और बात करेंगे 17वां दिन के पूरे वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में, तो ये 594 करोड़ 95 लाख से ज़्यादा कमाई कर रही है और 500 से ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी में भी शामिल हो गई है। और पठान 2 मूवी के जब चैप्टर 2 मूवी जैसे को पीछे छोड़ के आगे निकलते हुए जा रही है। बात करेंगे आज 18वां दिन और 18वां दिन ये मूवी एडवांस बुकिंग के जरिए कितना कमाई कर लिया मूवी। और बात करेंगे 18वां दिन किस किस की मूवी का रिकॉर्ड टूटने वाला है। तो बात करें 18वां दिन की, 18वां दिन ऑफ ड्यूटी होने की वजह से उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला है, लेकिन हर मूवी की से थोड़ा अच्छा ही रिस्पांस मिला है। तो यह मूवी 18वां दिन लगभग 7 करोड़ से ज़्यादा कमाई कर रही है और यह मूवी थोड़ा आगे आगे बढ़ते जा रही है। तो बात करें मूवी की 18वां दिन की नेट कलेक्शन में 464 करोड़ 45 लाख से ज़्यादा कमाई कर रही है। और बात करें मूवी की 18वां दिन के पूरे वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में, तो 604 करोड़ 5 लाख से ज़्यादा कमाई कर लिए मूवी और ये मूवी पूरे बॉक्स ऑफिस पे कमाल और धमाल मचा कर रखे हुआ है। सनी देओल के सबसे बॉलीवुड की सबसे दमदार मूवी गदर 2 मूवी पूरे बॉक्स ऑफिस पे गदर मचा कर रखे हुआ है। पठान 2 मूवी के जैसे चैप्टर 2 मूवी जैसे मूवी को पीछे छोड़ दिया है और ये मूवी 500 करोड़ से ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी में भी शामिल हो गया है। तो आप लोग किनके फ़ैन हैं, शाहरुख खान, रॉकी भाई या फिर सनी देओल के, कमेंट कीजिए बताएगा। और आप लोगों को कौन सा मूवी अच्छा लगता है भी कमेंट कीजिए बताएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और फिर से मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।